हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि 4 जिलों में लगाया गया कर्फ्यू अब रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके अलावा आम जनता और विभिन्न ट्रेड संघों की मांग पर विचार करके राज्य में पहले की तरह रविवार को बाजार खोलने की अनुमति प्रदान करने का भी मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि 4 जिलों में लगाया गया कर्फ्यू अब रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके अलावा रविवार को बाजार खोलने की अनुमति प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में चिनाब घाटी में 104 मेगावाट तांदी, 130 मेगावाट राशिल और 267 मेगावाट साच खास जल विद्युत परियोजनाओं को SJVNL को आवंटित करने के लिए सहमति प्रदान की गई। ये आवंटन चिनाब बेसिन में SJVNL को पहले आवंटित की गई 3 परियोजनाओं की शर्तों के अनुसार ही होगा। मंत्रिमंडल ने सहकारिता विभाग में सहायक पंजीक सहकारी सभाएं के 2 पद सीधी भर्ती द्वारा भरने का निर्णय लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्रीष्मकाल में बंद होने वाले सभी स्कूल 12 फरवरी 2021 तक बंद रहेंगे और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रहेगी। मंत्रिमंडल ने निजी स्कूलों द्वारा लगाए जा रहे अत्यधिक शुल्क के मुद्दे पर भी विचार किया और संबंधित जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के उपनिदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल कर समिति गठित की। समिति द्वारा ये देखा जाएगा कि निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा लिए जा रहे शुल्क और चार्जेज स्कूलों में कर्मचारियों के वेतन और बुनियादी सुविधाओं के अनुरूप है और ये किसी का शोषण तो नहीं कर रहे। मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वप्रथम एज यूजुअल हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा प्रेजेंटेशन दी गई और मंत्रिमंडल ने जो है वो इसमें जो है कुछ राहत महसूस की। ये स्थिति जो है वो रिकवरी की और एक्टिव केसेस के कम होने की, पॉजिटिविटी की कम होती जाए, इसलिए हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने तय किया है कि जो पिछले निर्णय थे उनमें कुछ चीज़ों को छोड़ करके बाकी उसी प्रकार से जो है वो रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। सिर्फ रात का कर्फ्यू में 9 बजे के स्थान पर 10 बजे कर दिया है। 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक एज यूजुअल नाइट कर्फ्यू इम्पोज रहेगा। नंबर 2, एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो संडे को जो मार्केट्स बंद थी वो संडे को खुलेंगी, बाकी एज इट इज़ नंबर ऑफ सोशल गैदरिंग्स जितना पहले से तय है वही रहेगा, उसमें कोई राहत नहीं दी गई है हर प्रकार के कार्यक्रम के लिए, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो। इसके अलावा जो है वो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने तय किया है कि जो हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूल हैं जिनमें अभी तक जो है वो बंद करने का कोई निर्णय नहीं था 31 दिसंबर के बाद का, वो भी तय किया है कि विंटर वेकेशन की जो स्कूल 12 फरवरी तक बंद रहते हैं उसी के अनुरूप ग्रीष्मकालीन स्कूल भी 12 फरवरी तक बंद रहेंगे, जिसका अर्थ है कि 12 फरवरी तक सभी स्कूल हिमाचल प्रदेश के विंटर वेकेशन के समर वेकेशन के वो बंद रहेंगे। लेकिन समर क्लोजिंग स्कूल में जो ऑनलाइन स्टडी है वो कंटिन्यू करती रहेगी, स्कूल बंद रहेंगे 12 फरवरी तक लेकिन ऑनलाइन स्टडीज़ जो हैं वो चलती रहेगी। एक और विषय पर जो है मंत्रिमंडल ने विचार किया कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें पेरेंट्स की मांग हो रही है कि स्कूल के लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एग्जॉर्बिटेंट फीस मांग रहे हैं, उस पर डिटेल्ड डिस्कशन हुई है
और सब जिलों के लिए जिलाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जिसमें जिलाधीश अध्यक्ष होंगे, डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री और डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन, ये दोनों उसके सदस्य होंगे, और वो प्राइवेट स्कूलों द्वारा किसी प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन फीस के मामले में ना हो, इन पर जो है वो विचार भी करेंगे, निर्णय भी करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।